Dear students, good morning. In this video, we are continue our next topic. Here, next function in Excel is average. Average, it returns the average of all the numbers in a cell of the range of the cell. Average, जैसे कि आप maths में calculation करते होंगे, ठीक है, एक औसत होती है जो numbers के बीच में निकाली जाती है, ठीक है. जो फॉर्मूला है इसका, उसका लिखने का जो तरीका है, आप इक्वल्स टू का साइन लगाएं, एवरेज लिखें और उसके बाद में एक रेंज सेलेक्ट करें जहाँ तक आपको लेना है एंड एंटर प्रेस करें. तब उसके साथ में क्या होगा, आपके सामने एवरेज उस नंबर्स का लिखकर आ जाएगा, ठीक है. नेक्स्ट मैक्स है. मैक्स मीन्स डियर स्टूडेंट मैक्सिमम वैल्यू, लार्जेस्ट वैल्यू. ओके, एक सीट है, अगर आपके पास बहुत सारे डाटा है, उसमें से आप ये ढूंढना चाहते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, देन यू हैव टू यूज़ द फॉर्मूला ऑफ मैक्स. मैक्स फार्मूला यूज़ करेंगे, इक्वल टू का साइन लगा के मैक्स लिखें. उसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर आप जितनी भी जगह में खोजना चाहते हैं उस रेंज को सिलेक्ट कर लीजिए. आइदर आप माउस से कर सकते हैं और आप टाइप भी कर सकते हैं, ठीक है. तो जो मैक्सिमम वैल्यू यानी कि सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो आपके सामने खोल कर आ जाएगी. सेम एज मिनिमम का भी है, बिल्कुल सेम है, बस मैक्स की जगह आप MIN मिन लिख दीजिए, यानी कि मिनिमम लिख दीजिए, बाकी कोई भी चेंज नहीं करना है. तो इनसे आप मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं. नेक्स्ट है काउंट. काउंट मीन्स गिनती करना, गिनना, ठीक है. अब जैसे कि आपने कोई वर्ड डॉक्यूमेंट या किसी और प्रकार का एक्सेल में कोई डॉक्यूमेंट तैयार किया, आइदर यू वांट टू फाइंड दैट ए वर्ड मींस यू राइट योर नेम एंड यू वांट टू फाइंड दैट हाउ मेनी टाइम्स माय नेम इज़ रिटन इन दिस शीट, देन यू यूज द फंक्शन ऑफ काउंट. जैसे कि कोई भी नंबर है आपका नाम सही, आपने एक्सेल की वर्कशीट बनाई है काफ़ी लंबी, और उसमें से आप उस वर्ड या उस लेटर या उस नंबर को ढूंढना चाहते हैं कि ये नंबर कितनी बार इसमें लिखा गया है, तब आप काउंट फंक्शन का यूज़ करेंगे. इक्वल टू काउंट लिखिए, उसके बाद एक रेंज सेलेक्ट कीजिए, आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा. नेक्स्ट हेडिंग है फंक्शंस लाइब्रेरी. व्हाइल देयर आर हंड्रेड ऑफ फंक्शंस इन एक्सेल, जैसे कि इसमें हजारों सैकड़ों एक्सेल में फंक्शन होते हैं, the ones you use most frequently will depend on the type of data your workbook contain. आप जिसका सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं वो डिपेंड करता है कि आपका जो वर्कबुक है उसमें किस प्रकार का डाटा है. देयर इज़ नो नीड टू लर्न एवरी सिंगल फंक्शन, हर फंक्शन को याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट एक्सप्लोरिंग सम ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन विल बी हेल्पफुल एज यू क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट. लेकिन आपके नए प्रोजेक्ट के लिए आपको अपने फंक्शंस को या एक्सप्लोर करना ज़रूरी है. यू कैन सर्च फॉर फंक्शन बाई कैटेगरी सच एज फाइनेंशियल, लॉजिकल. आप फंक्शंस को अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग ढूंढ सकते हैं, आइदर आप अकाउंटिंग यूज़ कर रहे हैं या लॉजिकल यूज़ कर रहे हैं, डेट एंड टाइम एंड मोर फ्रॉम द फंक्शंस लाइब्रेरी ग्रुप ऑफ द फार्मूलाज टैब. डेट एंड टाइम है या इससे अधिक फार्मूला आप इसमें यूज़ कर रहे हैं. टू एक्सेस द फंक्शन लाइब्रेरी सेलेक्ट द फार्मूला टैब ऑन द रिबन, द फंक्शन लाइब्रेरी विल ओपन हेयर. आप लाइब्रेरी फंक्शन को एक्सेस करने के लिए फार्मूला टैब पर क्लिक कीजिए और उसके सामने आपकी जो स्क्रीन होगी फंक्शंस की एक लाइब्रेरी खुलकर आ जाएगी, जो आप इस टेबल में देख सकते हैं इस प्रकार से. ओके, नेक्स्ट जो पॉइंट टॉपिक है वो है इंसर्ट फंक्शन. फंक्शन को यूज़ करना या लगाना. द इंसर्ट फंक्शन इज़ वन ऑफ द ऑप्शन इन द फंक्शन लाइब्रेरी ग्रुप विच हेल्प अस इन क्रिएटिंग ए फार्मूला. लेट अस कंसीडर एन एग्जांपल. कहना है जो इंसर्ट फंक्शन है ये एक ऑप्शन है फंक्शन लाइब्रेरी ग्रुप का, जो आपको मदद करता है एक फार्मूला बनाने में, ठीक है. एक एग्जांपल उन्होंने लिया है, चलिए एग्जांपल देख लेते हैं आपके अकॉर्डिंग. वैसे तो
इट्स नॉट नेसेसरी। लैब वर्क है, ये लैब होगा किसी दिन तो आप तब आपको इस एग्जांपल के बारे में बताएंगे, ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है अभी। ओके, लास्ट टॉपिक जो है वो है एरर रिजल्ट, यानी कि अगर आपने कोई फार्मूला यूज़ किया है, अब आप फार्मूला जब करेक्टली यूज़ करते हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं, बट इनकेस कभी कभी गलत हो जाता है तब एरर किस प्रकार के आते हैं वो देखेंगे। इफ़ एनी फार्मूला इज़ एंटर्ड इनकरेक्टली, अगर कोई फार्मूला गलत एंटर हो जाता है, देन एक्सेल डिस्प्लेस एन एरर मैसेज इंस्टीड ऑफ द वैल्यू एंड असिस्ट यू इन आइडेंटिफाइंग एंड फिक्सिंग द प्रॉब्लम्स। एक्सेल क्या करता है, आपको एक एरर मैसेज देता है और आपको चेतावनी देता है कि इस फार्मूला को पहचानिए और इसकी प्रॉब्लम को दूर कीजिए। हैस एरर, इस प्रकार से आपके सामने एरर दिखाई देगा। आइदर द वैल्यू इज़ नॉट करेक्टेड देन हैस वैल्यू एक्सक्लेमेशन एरर, इस प्रकार का एरर आपको सामने दिखाई देगा। आइदर नेम इज़ नॉट करेक्टेड, जैसे कि आपने कोई नेम लिखा और वो ठीक नहीं है, देन हैज़ नेम एंड उसके सामने आपको क्वेश्चन मार्क दिखाई देगा, एरर, ठीक है, इस प्रकार का एरर होगा। इसके बाद जो आप देख रहे हैं हैज़ डिव डिवाइडेड बाय ज़ीरो एक्सक्लेमेशन एरर, यह तब दिखाई देगा जब आप किसी नंबर को ज़ीरो से डिवाइड करते हैं या ज़ीरो की वैल्यू से आप कुछ करेंगे तब। ओके स्टूडेंट, सो नाउ स्टूडेंट चैप्टर इज़ फिनिश्ड एंड नेक्स्ट वीडियो वी सॉल्व इट्स एक्सरसाइज। ओके थैंक्स।